हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन। हियर कम्स द पेन सीजन मोड एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सीजन मोड ऑफ जॉन सीना। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट आर द न्यू मैचेस दैट वी हैव गॉट। थगोनॉमिक्स इज ऑक्युपाइंग द रिंग, इट लुक्स जस्ट लाइक लास्ट नाइट। वी थगोनॉमिक्स हैव कम टू सी दिस वंडरफुल क्राउड टू नाइट। भाई केन ऐसा प्रोमो जब देता है, कुछ बोल रहा होता है तो अजीब लगता है इस गेम में। भाई मुँह इसका इतना अजीब है ना कैसा मुँह है यार। लेट इंट्रोड्यूस टू यू गाइज फर्स्ट द टफेस्ट मैन इन दिस बिजनेस बटिस्टा एंड मी केन, यू ऑल नो मी ऑफ कोर्स। एंड शी इज नॉट हियर बट वी हैव विक्टोरिया एज वेल एंड द बेस्ट डैम रेसलर इन द इंडस्ट्री किंग। वेट अ मिनट, इट इज विंस मैकमैन। विंस मैकमैन आ गया है अभी, कुछ वक्त भी बताएगा भाई। यू डजंट लुक हैप्पी अभी। सीना, यू हैव स्टार्टेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट योर फैक्शन, यू गाइस आर क्वाइट इंप्रेसिव, बट हु गेव परमिशन टू गो ऑफ ऑन योर ओन एंड क्रिएट दिस फैक्शन? द डब्ल्यूडब्ल्यू इज माइन, आई एम द पावर दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग, सो आई विल शो यू माय पावर। मिस्टर मैकमैन लुक्ड अ लिटिल इरिटेटेड विद द न्यू फैक्शन, आई कैंट इमेजिन व्हाट ही इज गोइंग टू डू, आई बेट ही हैज समथिंग ऑलरेडी प्लान्ड आउट। कुछ ना कुछ तो भाई करेगा ये नाटक, देखते हैं भाई क्या ही दिक्कत है। ट्रेनिंग रूम में ट्रिपल एच है, ट्रिपल एच से भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप छीनी थी। व्हाट डू यू वांट, आई एम लिटिल बिजी राइट नाउ। स्कॉट स्टाइनर, ओहो दोनों भाई भयंकर बॉडी बिल्डर हैं। इज अ जेनेटिक फ्रीक, फ्रीक जिला, बिग पॉपा पंप। What the hell do you want? Never mind that, I'm sick of you getting in my face. My freaks are waiting for a match between Big Papa Pump and the game. I came here to kick your ass. Well, a match with you doesn't really fit into my schedule and I'll prove it to you. How about competing in a bodybuilding competition? Yeah, it's going to go like this. Pose for pose, me and you head to head, one on one, doing it all. Let's कम्पीट नाउ, मीट मी इन द रिंग। अच्छा इनका भाई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होने रियल में भी हुआ था भाई, ट्रिपल एच और स्कॉट स्टाइनर का। ट्रिपल एच की भी भाई बॉडी बहुत सही वाली है, यू शुड कम टू, इनवाइट किए हैं हमको, ज्वाइन कर लो एट। बट इसमें तो भाई ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें तो स्कॉट स्टाइनर की फिजिक ज़्यादा अच्छी दिख रही है। बाइसेप्स वगैरह देखो ना भाई, ट्रिपल एच के हाथ बहुत पतले हैं। Hit the light, let's start. First front double bicep. देखो overall अभी अगर देखो ना भाई, स्कॉट स्टाइनर की बॉडी ज़्यादा बेटर लग रही है। चेस्ट भी उसकी डिफाइंड है, एप्स भी दिख रहे हैं और उसके भाई ट्रैप्स देखो दिख रहे हैं बाहर निकले हुए इसके ट्रिपल। भाई ये क्या है भाई ये कौन था कितना गंदा टांग में ला रहे हैं भाई पैर कैसे हो गए यार। एट स्कॉट स्टाइनर के डबल बाइसेप, फ्रंट डबल बाइसेप ज्यादा। ये तो भाई सेम वैसा ही दिख रहा है जैसा इनका रियल में हुआ था ना, उसी की तरह दिख रहा है ये। आगे एक दूसरे के आगे आगे कर रहे थे दोनों, फिर लड़ाई हो गई थी, धक्का वक्का देने लगा था ट्रिपल एच, फिर लड़ाई हो गई। फिनिश दिस सेकेंड पोज, साइड चेस्ट देखते हैं कैसा रहता है। ये फिर भी बेटर है भाई साइड चेस्ट हिल रहे हैं भाई, बाउंस हो रहे हैं ऊपर नीचे, रिंग हिल रही है लगता है इस वजह से, देख रहे हो ना थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिगल हो रहे हैं। ओ भाई फेल दिया उसने उसको, ट्रिपल एच बकचोदी कर रहा है भाई। थर्ड पोज, मोस्ट मस्कुलर पोज नाउ, कौन सा है? अरे यार ये तो भाई डिवास जैसी हरकत कर रहा है यार हाथ देखो ना इसके भाई कैसे लड़की हो जैसे बिल्कुल झूल रहे हैं नीचे। एट बिग पॉपा पंप भाई ओपी है, ओपी। फिनिश नाउ, काम डाउन यू टू, कुछ होने वाला है, मैच हो सकता है शायद। I don't trust these fans out here to decide who really won this competition. So let us know who had the best physique. Triple H or Steiner? भाई अगर मैं कहा जाए तो भाई स्कॉट स्टाइनर ही है, अभी ये लड़ने के लिए आएगा, अच्छी बात है ना भाई। अभी पेल देगा एक मुक्का,
और ट्रिपल एच नॉक ही आउट एसपी माइनस वन, भाड़ में जाए एसपी भाई 156 एक्सपीरियंस पॉइंट्स है ये तो। यार मैंने ध्यान ही नहीं दिया था बढ़ाने का। सॉरी यार थोड़ा एक सेकेंड में फोन देखने, सबमिशन नहीं बढ़ाना है, टेक्निक स्पीड, टेक्निक स्पीड बढ़ाता हूँ भाई 75। वो स्पीड भी 9 हो गई अभी। मैच देखते हैं, रॉक और ट्रिपल एच, जॉन सीना और गोल्डबर्ग, डीक्यू वगैरह सब। चलो स्टार्ट। मैं यार ग्राउंड ग्रैपल नहीं करता हूँ ज्यादा, इस बार ना कोशिश करूंगा ग्राउंड ग्रैपल भी करने की। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, उठा लेता हूँ उनको। हाँ ग्राउंड ग्रैपल मोस्ट में एक भी नहीं मारता हूँ इस बार, सब वैरायटी के मोस्ट मारने की कोशिश करूंगा। रुक जाओ इसको शोल्डर टैकल देता हूँ, पड़ गई। इसको स्पीयर देके देखता हूँ भाई ना कितने स्पीयर में इसका कलर चेंज होता है। दो स्पीयर हो चुकी है अभी तक। ओ दो स्पीयर एक मून सॉल्ट में, भाई पीली हो गई इसकी छाती यार। गोल्डबर्ग तो भाई बहुत कमजोर निकला जॉन सीना के सामने, बस रिवर्स कर रहा है बार बार। रुक जा इधर देख। ओह स्पीयर, ये भी स्पीयर देने के चक्कर में था भाई, उसकी भी रनिंग ग्रैपल वही स्पीयर ही है। अभी मैं बताता हूँ कैसे स्पीयर देते हैं, पड़ेगी ना भाई डिवास्टेटिंग स्पीयर पड़ी है, एनिहिलेशन हो गया इसका। रिवर्स कर दिया, अरे यार ये वाले मूव में भाई। रिवर्स फिर से रिवर्स, दोनों की बेहतरीन रिवर्सल रिवर्सल का खेल चल रहा है। और मुंह पे पड़ गई लात जॉन सीना के, और सबमिशन होल्ड की बेहतरीन कोशिश, बट रस्सी ने बचा लिया जॉन सीना को। और एक बिग बूट पड़ते हुए जॉन सीना के पास एक स्मैक आ चुकी है, और अभी जॉन सीना स्मैक देंगे या नहीं देखना है इसमें। जॉन सीना की चूतिया ग्रैपल की कोशिश, और बेहतरीन स्पीयर पड़ गई उनको पेट में, और एक पेट पे लात पड़ी, और एक पड़ गई पेडिग्री। गोल्डबर्ग का फेस रिंग मैट पे एकदम कील की तरह ठुक गया। गोल्डबर्ग अपना पेट पकड़ के कराहते हुए लेटे हुए हैं, और एक बेहतरीन मून सॉल्ट पड़ी। रेफरी पता नहीं गांड दिखाते हुए इनके मुंह पे पिनफॉल कर रहे हैं, रेफरी तो एक नंबर का चूतिया ही है। इधर देखना चाहिए ना किक आउट कौन कर रहा है कौन नहीं, वो इधर पिछवाड़ा करके भाई खड़ा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। और अभी जॉन सीना एक फेक स्टनर की कोशिश कर रहे हैं, और बेहतरीन रिवर्स गोल्डबर्ग द्वारा, बहुत ही बेहतरीन, एक और बेहतरीन रिवर्स, और एक ग्रैपल की कोशिश, और पड़ गया ग्रैपल। एक भाई पावर स्लैम भी दे दिया उसको। ओ भाई मैं देख नहीं पाया यार, उसके पास मैक आ गई थी, मेरे को लग रहा था भरी नहीं होगी यार, उसने भोसड़ी के ने दे दिया यार एकदम अचानक से ही। पिन फॉल ना हो जाए, होना तो नहीं चाहिए। ओ वो नहीं हुआ अभी भोसड़ी के, तेरे को मैं बताता हूँ भाई। अभी मैं इग्नोर कर रहा था बड़ी देर से, मैं मजे लेने की कोशिश में था, बट ये ना भाई सीरियस ले रहा है खेल को। अभी टूमस्टोन पायल ड्राइवर देना पड़ेगा इसको। हाँ पड़ गई ना, पड़ गई ना टकले भोसड़ी के, तेरी पैन दी पुद्दी पैंचो, तुडे नाल इश्क करांगे गोल्डबर्ग दे नाल इश्क करांगे जॉन सीना। एक क्लोज लाइन दे नाल
ਇਹ ਗ੍ਰੈਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੈਕ ਗ੍ਰੈਪਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਗੋਲਡਬਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਗ ਬੂਟ ਦੇ ਫੇਸ ਨਾਲ ਪੜ ਗਿਆ ਓ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਰੋਪ ਕਿੱਕ ਥੀ ਯਾਰ ਬਟ ਇਹ ਹਟ ਗਿਆ ਸਾਲਾ ਰੁਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਰ ਡਰੋਪ ਕਿੱਕ ਦੇਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਉੱਡ ਜਾਏ ਤੋ ਕਿਆ ਚੂਤੀਓ ਲੜਕੀਓ ਵਾਲਾ ਟੌਂਟ ਹੈ ਭਾਈ अरे यार मून सॉल्ट थोड़ी देना था भाई बहुत ही गांडू है और ये बड़ी ड्रॉप किक एक बिग बूट स्मैक आ गई है अभी इसको स्मैक देके भाई बाहर करता हूँ मुंह भी ऑरेंज हो गया रुक जा एक एक स्टनर देने की कोशिश करता हूँ भाई अगर इस बार रिवर्स ना करे तो और एक पेडिग्री और मुंह लाल नहीं हुआ यार लेकिन इसका साले करू को एक मून शॉट मारता हूँ कनेक्ट हो जाए अरे यार कनेक्ट ही नहीं हो रही इतना दूर क्यों लेटा है ये वाली मून शॉट लगेगी जिसका कोई मतलब नहीं है इसको बिग बूट पे बिग बूट देंगे देखता हूँ भाई इसका खून निकाल के मैच खत्म करना है यार ऐसे में मजा नहीं आएगा अभी मून सॉल्ट कनेक्ट होगी तब तक मेरी स्मैक भी आ जाएगी हाँ सर भी लाल छाती भी लाल नहीं स्मैक स्मैक देने के बाद भाई करना है जो भी करना है निकल ओ रिवर्सल यार यहाँ पे टेबल ही नहीं है कुछ मतलब टेबल नहीं वो अनाउंसर टेबल रहती है ना वही नहीं है वो तो होनी चाहिए एटलीस्ट नेक ब्रेकर पड़ गया ना रुको अभी इसका मेरी स्मैक आ गई आ जा अभी अंदर आ जा अभी एक स्मैक दे के खेल ख़त्म करता हूँ खून निकाल दूंगा इसका आ ना भाई अरे यार यहाँ से ड्रॉप की अरे और चूतिया जॉन सीना यहाँ पे ड्रॉप की क्यों नहीं मार रहा यार यहाँ से ड्रॉप की कितनी मस्त लगेगी ऊपर से टॉप रोप से है ये भी नहीं कनेक्ट हुई रुको एक बार और कोशिश करता हूँ अब डायरेक्शन देके नहीं यार इसमें भी नहीं हुई कनेक्ट इधर वाले से मारना पड़ेगा डाउन देके अरे यार डाउन में तो एल्बो ड्रॉप दे रहा है ड्रॉप की किधर से है लेफ्ट राइट से है क्या नहीं भाई गलत पड़ रहा है हर बार थोड़ा सा इसके पैर में डैमेज करके देखता हूँ हाँ पैर पीला नहीं हो रहा इसका एक बार चल अंदर आ जा ओ भाई उतना ऊपर से कोई गिरेगा तो भाई पिछवाड़े में कितनी तेज लगती होगी नहीं यार एक स्पीयर नहीं चल अंदर आ जाओगे भाई अभी इसको स्मैक देके भाई खून निकाल के बाहर कर देता हूँ मतलब मैच फिनिश करता हूँ वो मेरा मेरी छाती लाल हो गई भाई निकल गया ना खून मांग भर गई गोल्डवर की खत्म अभी आके अटैक होगा भाई हाँ रॉक ब्रॉक लेसनर और बबरी डेडली क्यों आया भाई हु इज बिहाइंड दिस सी ऑन ऑन व्हाट अ चीप टैक्टिक विंस विकमैन नहीं भेजा और क्या भाई हाँ देर वॉज अ सैम्पल ऑफ माई पावर आई ओन द WWE आई एम द ग्रेट विंसेंट कैनेडी विकमैन आई हैव ऑल द पावर इन दिस इंडस्ट्री एंड नाउ सो डज माई फैक्शन द कॉर्पोरेशन एंड What you are putting together is just a joke compared to us. A new faction is born and Mr. McMahon has their back. It's going to be an intense rivalry like we have never seen before. Raw. अभी कुछ बैकस्टेज सेगमेंट फिर से देखने को मिलेगा केन आके कुछ ज्ञान देगा कि भाई वो लोग ये कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं अरे यार इसमें भी प्राइवेट बस डिस्ट्रॉय कर देंगे क्या
They paid a fortune for that bus. How is Mr. McMahon going to compete with that? लास्ट बार ब्रॉक लेसनर के साथ मैच हुआ था तो मतलब ब्रॉक लेसनर के साथ सीजन मोड था भाई, तो उन्होंने तोड़ दी थी वो वैन वैनिटी वैन. आई एम नॉट रियली वरीड दो, वी आर स्टिल द मोस्ट डोमिनेटिंग टीम इन WWE. बात तो सही है भाई, बैक स्टेज में कोई नहीं है. शॉप जोन, चलो मैच ही स्टार्ट करता हूँ. जॉन सीना बटिस्टा वर्सेस द रॉक एंड ब्रॉक लेसनर. चलो What is this? Stacy is attacking fiercely. अरे यार. Rivalry between these two factions growing at an alarming rate. Stacy उन लोगों के साथ है मेरे ख्याल से. Play. रॉक को तो स्पीयर ज्यादा ही इफेक्ट करेगी भाई. अभी तो यार स्ट्राइक पावर 10 हो चुकी है इसकी, जॉन सीना की. अब तो बहुत ज्यादा डैमेज करता है. स्पीयर, अनदर डिवोस्टेटिंग स्पीयर बाय जॉन सीना टू द रॉक एंड रॉक अपर टॉर्जो हैज बीन टर्न टू येलो. An absolute reversal by John Cena, and Rock has also gone for a reversal, and he's going for people punches. Reversed with a big boot, got a nice shoulder on his head, and Cena also got a nice shoulder on his back of his head. Nice reversal again. Nice back body drop by Cena, and the Rock again reversed. Nice clothesline by Cena, and again the Rock reversed, and Cena reversed again with a big spear. Rock with a fucking cheap shot, low blow, and Batista wants some heat, getting into action. पड़ चुका है एक टैग, शानदार, और हिप टॉस. रॉक लाल हो चुका है, और एक बटिस्टा स्पीयर नहीं पड़ी, बटिस्टा की क्लोज लाइन. बटिस्टा वाली स्पीयर अच्छी डैमेज करती है भाई, देखो बटिस्टा वाली भी स्पीयर मारता हूँ ना, ये बात ये देखने में ख़त्म लग रही है बट भाई डैमेज करती है. ओह ब्रॉक लेसनर आएगा, रॉक तो लाल हो गया यार. रुको मैं जॉन सीना को ही बुलाता हूँ ना. ब्रॉक लेसनर के पास स्मैक है, बट स्मैक से कुछ होगा नहीं. रुको बटिस्टा की स्पीयर देख के देखता हूँ कितने स्पीयर में इसका कलर चेंज होगा. एक स्पीयर पड़ गई, एक और स्पीयर पड़ गई, बट इसकी मेरे ख्याल से यार उतनी पावरफुल नहीं है. अहा क्या खत्म सा मूव था भाई. ओ फुल नेल्सन, फुल नेल्सन ही नाम है शायद इस मूव का. मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है बट जहाँ तक मेरे को पता है यही भाई. खतरनाक सुप्लेक्स थी और बटिस्टा एक सेकंड में उठ गया भाई नो सेल करके. एट ये वाली भी है भाई, अच्छी खासी पावरफुल मूव है. अरे यार जॉन सीना अभी तो आया है, बटिस्टा की चुटी आ रहा है. फेस बस्टर, और फेस बस्टर से छाती ओपीली हो गई भाई. किसी और चीज़ से होनी चाहिए थी, स्पीयर वगैरह से होनी चाहिए थी, बट फेस बस्टर से हो रही है. पड़ गई, पड़ गया बटिस्टा पावर बॉम्ब, बटिस्टा बॉम्ब. पिनफॉल कॉम्बो वाला है शायद. टू, यार छोड़ दिया, रेफरी ने काउंट ही नहीं किया. एक क्लोज लाइन और पड़ी है, और ना अभी अभी इसको फेंकता हूँ जॉन सीना के साथ टैग मूव देके. अरे और हो, ये तो इंतजार में थे भाई एकदम. रॉक को यार बाहर नहीं कर रहा है, इसको बाहर कर रहा है जॉन सीना को. मैं तो लेकिन ब्रॉक लेसनर को ही फंसाता हूँ. अरे मादर चोद, ग्रैपल के बीच में भाई ऐसा छेड़ना नहीं चाहिए. अभी पता चलेगा छेड़ने का नतीजा रॉक को.
इसमें तो यार मैं डी पैड भी दबाता हूँ ना स्मैकडाउन पे, इनमें तो कुछ होता नहीं है पता है, पता नहीं क्यों, शायद पता नहीं यार, दबाता तो हूँ मैं डी पैड भी जल्दी जल्दी और नॉर्मल फेस बटन भी दबाता हूँ, एक्स वगैरह ये सब जल्दी जल्दी सारे बटन दबाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता। चलो अभी एक स्मैक इसको भी देते हैं। क्या करना है ये? तीन, एक घुटना, ये ले। अभी जॉन सीना बावड़ा हो रहा है तो एक स्मैक देके ना जॉन सीना को टैग दे देता हूँ भाई, और लाया जा रहा है भाई। SVR वाला तुमने मॉडल देखा था जो मैंने कल वीडियो डाली स्मैकडाउन वर्सेस रॉ की, तो उसमें कितना खतरनाक वो जॉन सीना पिनफॉल हो गया यार इसमें तो। उसमें जॉन सीना का मॉडल कितना मस्त है, इसका नेक्स्ट गेम है, एक साल बाद का गेम है, फिर भी कितना ज़्यादा मस्त है। लेकिन इसमें एकदम झंड सा मॉडल बना के दिया है उन्होंने जॉन सीना का। पड़े हुए हैं भाई दर्द से कराते हुए, अभी वो रिवर्स ना कर दे, इसमें पता नहीं क्यों मैं जब भी अटैक कर रहा हूँ रिवर्स हो जा रहा है हर बार, रेफरी तो फिका गया, हो सकता है कर दिया रिवर्स यार। ये क्या नाटक है भाई, हर बार ऐसा क्यों हो रहा है यार? ब्रॉक लेसनर के में तो ऐसा था भाई, हर बार ब्रॉक लेसनर मारता था, जॉन सीना चूतिया है भाई, हर बार ये लात खा के आ जाता है मैच खत्म होने के, मैच जीत जाता है फिर भी लात खाता है। ये सीना नेक्स्ट मंथ इज एन इवेंट टेकिंग प्लेस इन मैनचेस्टर, आई इंटरेस्टेड इन बीइंग पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल भाई, यूरोप में तो जाना ही जाना है, पार्टिसिपेट इन UK टूर करना है। 64 पॉइंट्स मिले, स्टार्ट प्रोग्राम, ज्वाइन कर लिया भाई इसने, सेबल है ना ये, स्टेसी कौन है इसको मॉडल देख के नहीं समझ में आ रहा भाई, सब लड़कियों को एक ही तरह, स्टेसी केबलर ही है, ज्वाइन कर लिया इसके फैक्शन को। थैंक्स ऑगबी फॉर गॉट वन थिंग, आई एम द सेक्सीएस्ट डीवा इन द WWE, तो वो तो भाई उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, विक्टोरिया तो मर्दाना दिखती है भाई, उससे मैं कोई वो भी नहीं रखता, उम्मीद भी नहीं रखता। विक्टोरिया टुनाइट वी आर गोइंग टू हैव मिक्स्ड मैच, आई एम गोना किक योर बट, स्टेसी हैज रिक्वेस्टेड अ मैच, आई होप इट्स अ ब्रांड। भाई साला जेरी द किंग लॉलर तो बहुत बड़ा ठरकी, आई होप इट्स अ ब्रांड पैंटीज मैच जी। बोल रहा है कि वो मिक्स टैग मैच है, फिर भी उसमें साले को ब्रांड पैंटीज मैच चाहिए, बैक स्टेज में कोई नहीं है, मैच स्किप। केन और बटिस्टा का द रॉक और बबर एडली भाई राइवलरी चल रही है अच्छी खासी, कौन जीता, हार गए यार हम लोग, वो जीत गए। अभी इनको दोनों को पेलता हूँ भाई, इसमें स्मैकडाउन पेन में यही मस्त है कि लड़कियों के साथ भी खेल, मतलब लड़कियों को भी मार सकते हैं, उनको डैमेज कुछ ज़्यादा ही होता है। ये ले क्लोज लाइन, रेफरी गिर गया, रुको रुको रुको, फिर तो भाई फुल फायदा ब्रॉक लेसनर को, मैं बताता हूँ खोसड़ी। अरे यार ये मादर चोद जॉन सीना गांडू कहीं के निकाल क्यों नहीं रहा यार, रेफरी अभी उठ जाएगा, बहुत बड़ा चूतिया है भाई, अभी निकाला खोसड़ी का, रुको अभी इसके पेट में देता हूँ मैं, ओ मार 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 भाई, यार दिमाग खराब हो गया मेरा, मैं 50 चेयर अटैक कर लेता, 50 तो नहीं मान लो लेकिन 3-4 तो मार ही देता भाई, लेकिन साला ये चेयर ही नहीं निकाल रहा था। एक स्टनर देने की कोशिश करता हूँ इसको, ओ पड़ गई, और एक टूमस्टोन पाइल ड्राइवर भी पड़ गई ब्रॉक लेसनर को, ओसड़ी वाला ब्रॉक, ये बात ले लस्सा ले लस्सा। अरे भोसड़ी के रेफरी यार, इनको रेफरी के कितनी गांड में चुल रहती है भाई, इनको आके घुसना रहता है एक्शन के बीच में, और जब पिन करवाना होता है तो पिछवाड़ा मुंह के पास लाके पिन करवाते चूतिए कहीं के, तब दूर भाग जाते हैं, देख नहीं रहे होते मैं इधर साइड मैच में क्या चल रहा है क्या नहीं।
वो भी बाहर रुको, रेफरी को पेलना है भाई, रिवर्स कर दिया साले ने। आप ब्रॉक लेसनर ग्रैपल कर उसको, ओ नहीं हुई भाई, एक और स्पीयर, रेफरी को चूतिए को मारना है यार, रिवर्स कर दिया सॉलिन, हो भरपूर रिवर्स कर रहा है यार। जॉन सीना की स्मैक नहीं आई विक्टोरिया के आगे, बट विक्टोरिया से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको अगर मैं ब्रॉक लेसनर को दूंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। वो टैग देने जा रहा है क्या? पागल हो गया है भाई ब्रॉक लेसनर। जॉन सीना के सामने एक नॉर्मल नेक ब्रेकर, आ जा विक्टोरिया तो भी। ओ विक्टोरिया सीधे भाई ब्रॉक लेसनर के पास गई मारने के लिए, उसने इजी अपोनेंट नहीं चुना, स्टेसी केबलर को चुने। अभी इसको देखना स्पीयर दूंगा ना तो इसका मीटर ऐसा ब्लिप होगा भाई, देखना ये। एक स्पैक, विक्टोरिया उधर पागल हुई जा रही है, पहले इसको थोड़ा सा भाई, एक चूतिया समझा मेरे को, हाँ चूतिया समझा। अरे यार गलत एंगल आ रहे भाई, चट्टी बन जा रही है उसकी, एक स्पीयर पड़ेगी ना, लाल हो गई यार ये तो इतने जल्दी से। एक्सटर्नर ये बात, अभी विक्टोरिया को टैग देता हूँ, आजा डडली डेड ड्रॉप, खून निकलने वाला है, एल्बो ड्रॉप शानदार था। इसका स्मैक देखता हूँ क्या है, क्रॉच एरिया में उसको ग्रैब करके लगा दिया है और पता नहीं क्या खत्म सी मूव मारी है ब्रॉक लेसनर, टैग के लिए आतुर है भाई। तो पिन करवा के देखता हूँ, आ गया भोसड़ी का पिन तो करवा लो, मार जॉन सीना भोसड़ी के को, जॉन सीना को पकड़ेगा चूतिया, उसको नहीं पकड़ रहा भाई, कितना हरामी है रेफरी भी। भोसड़ी का दोगला विंस मैकमैन से मिला हुआ है, देखो ना भाई मेरे प्लेयर्स को सबसे पहले बाहर निकालता है मार चोर, बुढ़ाऊ वहीं गए, इसीलिए इसको इतना पेलता हूँ मैं रेफरी को बीच बीच में, फिर अगर कभी मौका मिलता है तो। स्टेसी केबलर का खून निकलने वाला है, बस कोई सी एक मूव चाहिए क्योंकि, तो देखना पड़ेगा कि कौन से मूव से इसके हो रहा है डीडीटी वगैरह। नहीं भाई ब्रॉक लेसनर गुंड ना फाड़ दे इसकी, रुको स्मैक दे ही देता हूँ, क्या ही करना है, उसके पास भी स्मैक आ गई है, देगा स्मैक, बच गया। उठा लेगी भाई ब्रॉक लेसनर को, अरे बाप रे, क्या खतरनाक स्मैक थी भाई, नॉर्मल टैग नहीं करना है यार, ये रिवर्स करेगा पता है, कर दिया, पता था मेरे को ये करने वाला है आराम। जॉन सीना की तीन तीन स्मैक भर गई है, हट जा रेफरी चूतिए, इनको सबसे पहले सामने आना रहता है, रुक जाओ रेफरी को, अरे यार इतने में भी रिवर्स कर दिया, क्लोज लाइन और एक स्टनर दे के देखता हूँ, बहुत शानदार रिवर्स हो रहे हैं, पड़ गई स्टनर और अभी पड़ गई बुंड पे लात,
और बहुत ही बेहतरीन पेडिग्री के साथ ब्रॉक लेसनर का सर पीला हो गया है, गांठ फट गई ब्रॉक लेसनर की, और एक और बेहतरीन पेडिग्री, ये बात मुंह ऑरेंज हो चुका है, और एक स्टनर, बहुत शानदार स्टनर, बहुत ही शानदार स्टनर, मुंह लाल हो चुका है खून निकलने की कगार पर ब्रॉक लेसनर, और अभी बांसा फट चुका है उनका, खून की बौछार हो रही है, और एक लादिन को मार के बाहर कर देता हूँ ताकि ये पिनफॉल ना रुकवाने पाए, और बहुत ही बेहतरीन पिनफॉल, 2-3 हो गया काम तमाम। जॉन सीना फिर से बैक स्टैप करेंगे ये लोग लगता है। It was a very interesting match, but I want you to do some, but I want you to see something a little more interesting. Rock, are you ready? इनकी vanity van तोड़ देंगे भाई, राम खोर प्रिंस मैन, अरे यार माँ छोटी उसके van की decimate हो गई है। Do you know how much that cost them? Thugonomics Express is definitely out of commission. Cena is not happy about this and he will definitely be seeking revenge. हाँ यार तोड़ दिया बेचारे की वैनिटी मैन, सही नहीं बात है ये, सही नहीं किए आप प्रिंस मकमैन, आपको इसका भर जाना भुगतना पड़ेगा, नया कपड़ा पहन के आएगा ना जॉन सीना, बहुत मारेगा, 88 XP 90 चाहिए इसके लिए। चलो नेक्स्ट मैच देखते हैं क्या है, ब्रॉक लेसनर के साथ सिंगल मैच, सेकंड टैग विथ मैनेजर, वही भाई राइवल भी चल रही है अब खतरनाक वाली, इसमें देख लो अपनी टीम जीतेगी, क्यों हार जा रही है भाई रॉक, तो एक तो भाई रॉक गेन के सामने टिक नहीं सकता, और प्लस बबा रेडली तो एक नंबर का चूटी है, वो बटिस्टा है सामने भाई, यार मेरे को समझ नहीं आता कैसे मैच में मतलब डिसीजन रहता है इनका, फेलना चाहिए भरपूर। Listen up tonight, I have singles match against Cena, but I don't think he's here tonight because we crushed their damn bus. Ahaha, आ गया गड्डी लेके एट पिकअप ट्रक लेके आ गया भाई, आ गए मिया, नहीं अम्मा पुक्कू करने आए मिया, क्या होना ब्रॉक तेरे को स्पीयर होना, ये ले एक एल्बो ड्रॉप होना कि मून सॉल्ट होना, अरे रिवर्स नक्को करो यारो, पेट पे लाता लो यारो, और स्पीयरा लो यारो, रिवर्स नक्को करो, छाती पे घुटना लो, टूमस्टोना लो भाई, चिंदिया लड़ाइया नक्को करो ब्रॉक, शानदार टूमस्टोन, माकी गिरकिरी उठ भोसड़ी वाले, रिवर्स कर दिया मादर जाद, ये ले छाती पे ऐसे प्रहार होंगे, ऐसे प्रहार होंगे रिब के चूर चूर हो जाएगा, कल भी भाई बचेगा नहीं, कलर चेंज नहीं हो रहा भाई, कलर चेंज करना है जल्दी से, रुको अभी इसके पहले गर्दन पे वार करता हूँ, अभी थोड़ा स्पेसिफिक अटैक भी करना है ना भाई, मैं भूल जाता हूँ बार बार की वो वाले भी ग्राउंड ग्रैपल्स भी करने हैं, ओ सुप्लेक्स पड़ गई बेली टू बेली, अभी स्पीयर इसको पड़ेगी, हाँ छाती पीली हो गई, रुको अभी सर पे अटैक करता हूँ, यार ये चूतियों वाली चोक नहीं मारनी है भाई, कुछ अच्छा करो भोसड़ी वालों, सुबह सुबह तीन भाई दीपक कलाल की मेरे को वो याद आ गई, एक मीम थी दीपक कलाल की, वो जो एक औरत नहीं थी जो एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हो रही थी, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, हेलो फ्रेंड्स पापे खा लो तो फिर उसके बाद ना दीपक कलाल ने एक वीडियो बनाया था भाई, बहन चौदह सुबह सुबह तुम 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेके गाड़ मरवाने आ जाते हो, कुछ अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छी वीडियो बनाओ जैसे मैं बनाता हूँ
दगड़दल्ली माँ दे बिल्लियो, गगड़दल्ली माँ दे बिल्लियो। भाई यार दीपक कलाला बहुत ज़्यादा गंदा, मतलब सामने वाले को रोस्ट करता है भाई। वो पता है तुमको छक्कों वाली हरकतें करता है, लेकिन यार वो बहुत दिमागदार आदमी है। अगर तुमने कभी उसका किसी के साथ लाइव वगैरह देखा होगा ना दीपक कलाल का, मैं तो एक टाइम बहुत दीपक कलाल के लाइव देखता था भाई। पब्लिक वब्लिक आती थी ना लोगों के, यार भाई देखो दिमाग तो है नहीं सबसे पहली बात। जो भी आते हैं, लड़के आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, या फिर अंकल वंकल आते हैं, उनको लगता है दीपक कलाल चूतियापा कर रहा है, गाली दे रहा है। वो आके वो भी शुरू हो जाते हैं कि अरे भोसड़ी वाले तू ऐसे गंदी गंदी बातें करता है, ये करता है, और या फिर गाली देना शुरू कर देते हैं उसको दीपक कलाल को एकदम उल्टी सीधी। भाई वो ऐसी पॉइंट की बात करता है ना कि सामने वाला चुप हो जाता है भाई। वो ऐसे मतलब बकचोदियाँ नहीं करता भाई कि बिना मतलब में गाली बक रहा होगा। जब उसके तुम कभी लाइव देखोगे या किसी यूट्यूबर के साथ वो कर रहा होगा इंस्टाग्राम पे लाइव या फिर यूट्यूब में किसी में भी होगा ना, जोगिंदर पोगिंदर ये जो भी आते हैं भाई, तो भाई वो इतना गंदा छीलता है ना कि मतलब वो भाई वो लोग सोच नहीं पाते, उनको तो भाई दिमाग रहता नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। और ये भाई एकदम पॉइंट की बात करके उनको ऐसा बोल देता है कि चुप हो जाते हैं भाई, फिर कुछ बोल नहीं पाते। बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है भाई, ऐसी पर्सनैलिटी उसने बना रखी है चोदुओं वाली, बाकी दिमाग वाला है वो। मेरे को तो ऐसा लगता है, पता नहीं भाई गलत भी हो सकता हूँ मैं, बट लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं क्या पता क्या पता रियल में ही वो साला ऐसे हो ही उसी तरह। अब ये रेफरी यहाँ पे आके क्या करना चाह रहा है भाई, चूतिए रेफरी कहीं के। एक मून सॉल्ट देता हूँ, छाती वाती तो लाल हो गई भाई, ये मैच ख़त्म होने वाला है। बॉडी स्प्लैश पड़ गया यार, डीक्यू ऑफ है गलती से, मैंने निकाल ली चेयर, नहीं उठाना है। भाई कलर चेंज नहीं हुआ यार, पता है मतलब मैं यार भले उतना अच्छा नहीं खेल पाता हूँ, पता है मेरे को मतलब बहुत एवरेज खेलता हूँ, लेकिन जब मैं तुम लोग अगर मतलब मेरी वीडियो शुरू से देख रहे होगे ना, तो शुरू में भाई मैं स्मैकडाउन, अभी मैं स्मैकडाउन डिफिकल्टी में, सब कुछ स्मैकडाउन डिफिकल्टी में खेलता हूँ। शुरू में मैं खेलता था ना भाई, तो मतलब वो कनेक्ट नहीं हो भाई यार अच्छे से। तो भाई मतलब मेरे को याद है बहुत ज़्यादा मैं मार खा जाता था, बहुत ज़्यादा वाला मार खा जाता था, मेरी बॉडी हमेशा डैमेज हो जाती थी अच्छी खासी। और अभी मतलब ऐसा है ना यार, इतने टाइम से खेल रहा हूँ ना, और मतलब सब लोग कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। मेन अंकित भाई है, वो हमेशा भाई मेरे को ना टिप्स देते रहते हैं कि ऐसा करो भाई ऐसा करो। मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती भाई, मैं इतने टाइम से खेल रहा हूँ फिर भी मेरे को नहीं पता होता है कि क्या कैसे करना है। वो मेरे को भाई बताते रहते एकदम डिटेल में यार। थैंक यू अंकित भाई, आप इतना टाइम निकाल के ना यार कमेंट करते हो इतने बड़े बड़े, मतलब बहुत सही लगता है यार मेरे को। तो यार मेरा ना गेम अभी पहले से इम्प्रूव हो गया है काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं काफ़ी कुछ रिवर्स कर लेता हूँ, काफ़ी सारे नए नए मूव्स भी, मतलब वही है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा भाई। अभी भी कोई भाई बोल देगा कि भाई तू चूतिया है तेरे से नहीं आता खेलते कमेंट में, लेकिन जो की बात सही है भाई, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे से बहुत अच्छा आता, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं जब वीडियो डालना मैंने स्टार्ट किया था ना, तब से अगर मैं कंपेयर करूँ तब मेरे से कुछ खास नहीं आता था, अभी मतलब पहले से ज़्यादा बेटर खेल लेता हूँ, बस ये मेरा कहना है। रॉग आ चुका है, सीन आई वॉज वॉचिंग योर मैच बैक स्टेज, आई थिंक यू आर टफ इनफ टू बी इन द सेम रिंग एज मी, वाई डोंट यू एंड आई हैव अ सिंगल मैच एट नो मर्सी अनलेस यू आर स्कैर्ड। लास्ट मैन स्टैंडिंग हार्ड कोर है, सबमिशन है, हार्ड कोर करता हूँ भाई। चलो हो गया काम। और यार अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।